हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल भाई लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बोल रहा हूँ भाई। फर्स्ट वीडियो ये मेरी भाई, जिसमें मैं कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ यार। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होगे तो क्या बंदा क्या टिप्स एंड ट्रिक्स बताएगा। मतलब भाई, आप लोगों को पता है, मैं अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब 5 दिन 6 दिन हुए हैं आईपैड से मैं अभी फ़ोन पर शिफ्ट हुआ हूँ। तो आपको पता है, मैं ट्रेनिंग मोड वगैरह और अपने मसल मेमोरी बिल्ड वगैरह कर रहा हूँ, अपने फ़ोन पे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा हूँ। तो भाई, मैं नए नए ड्रिल्स और नई नई चीज़ें कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा, क्यों ना मेरी YouTube फैमिली, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे भाई लोग हैं, उनका हमेशा ही मेरे पे चैट में मैसेज आता रहता है, कॉपनेट भाई एम कैसे इंप्रूव करें, कॉपनेट भाई ये कैसे करें, कॉपनेट भाई सामने वाला जो एनिमी है उसको हम जल्दी डाउन कैसे करें और उससे हम डाउन ना हो भाई। तो मैंने सोचा कि यार, इतनी सारी चीज़ें बंदे लोग पूछ रहे हैं, तो चलो ना यार, एक वीडियो क्यों ना डाल देते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। तो आई होप यार, मेरे को यार मेरी फर्स्ट वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी तो प्लीज़ सपोर्ट करना इसको, ठीक है। तो बात, हम बेसिकली बात क्या करने वाले इस वीडियो के अंदर, तो आपने टाइटल में तो पढ़ ही लिया होगा कि हम इस वीडियो पर क्या बात करने वाले हैं। ओके, तो फिर हाँ जी, ओके हाँ, तो फिर भाई देखो, नॉर्मली आपने क्या देखा होगा, नॉर्मली आपने जिगल सुना होगा कि हाँ जिगल, इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ये जो चीज़ होती है ये। नॉर्मली आपने जिगल्स वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा देखे होंगे, थोड़ा मैं साउंड बढ़ा देता हूँ उसका। हाँ ओके, तो नॉर्मली आप लोगों ने जिगल वगैरह देखे होंगे, जैसे कि ये चीज़ हो गई, जैसे ये हो गई। क्या कभी आपने भाई लोग रेड डॉट जिगलिंग सुना है? रेड डॉट जिगलिंग मतलब रेड डॉट के साथ, जो आपका रेड डॉट होता है उसके साथ जिगल खेला है कभी आपने? मतलब कभी ट्राई करके देखा है क्लासी मोड कस्टम्स? अब मैं बताता हूँ क्या चीज़ है रेड डॉट जिगलिंग। आपने कई बड़े बड़े कम्पिटिटिव प्लेयर, जैसे जोनाथन हो गया, पैराबॉय हो गया, और भी कई कई बड़े बड़े नाम, बहुत नाम है बड़े बड़े, उनको आपने देखा होगा कि वो भाई कभी भी बंद अगर EDS खोलते हैं तो भाई ज़्यादातर चांसेस ये होता है कि वो बंदा डाउन कर देते हैं, ठीक है। बहुत चांसेस होता है बंदा डाउन कर देते हैं, और आप लोगों को पता भी नहीं चलता। आप कहते हो भाला मैं भी तो EDS खोलता हूँ बंदे के सर पे, तो बंदा मरता क्यों नहीं है? और ये लोग EDS खोलते हैं तो मार देते हैं। तो मैं बताता हूँ कि अगर एनिमी की जगह आप हो और सामने मान लो कि हमारे जोनाथन भैया हो गए, कोई बड़े कॉम्पिटिटिव प्लेयर हो गए, वो करते क्या है? वो लोग करते हैं भाई रेड डॉट जिगलिंग। हाँ जी, ये मैंने नाम खुद ही दिया है इसका, इसका कुछ और नाम होगा तो मुझे मालूम नहीं है। तो वो लोग करते हैं भाई रेड डॉट जिगलिंग, थोड़ी आवाज़ कम कर देता हूँ यार। हाँ जी, तो वो लोग करते हैं भाई रेड डॉट जिगलिंग। अब पूछोगे रेड डॉट जिगलिंग क्या होती है, तो भाई यही वीडियो पूरा तो बताएंगे इस चीज़ के बारे में। तो आप सुनो, रेड डॉट जिगलिंग क्या होती है। नॉर्मल आपने, आप बाई चांस कोई एनिमी है सामने, तो नॉर्मल आप कैसे मारते हो, जैसे कि वो यहाँ ये एनिमी जा रहा है, ये रहा एनिमी है, तो आप जैसे कि सामने से आ रहे हो, एनिमी दिखा तो आप कैसे मारोगे इसको? ऐसे मारोगे ना, ये मारोगे, इधर से आए, ऐसा आए, ये मारा एनिमी को आपने, ऐसे मारोगे ना। ओके, तो अब जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसा क्या करते हैं बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स, जिससे कि सामने वाला जो एनिमी है, देखो भाई अब तुम अच्छे प्लेयर हो तो सामने वाला प्लेयर भी तो बहुत अच्छा ही होगा ना। मतलब अगर आप कोई T1 कॉम्पिटिटिव गेम खेल रहे हो, आजकल तो क्लासिक में तुमको पता ही है, साला जिसे देखो साला आ रहा है जिगल मार रहा है, जिसे देखो जिगल सीख गया है, फायर सीख गया, बहुत सारी चीज़ें सीख गए हैं हर कोई। मतलब पबजी की वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि हर किसी को नॉलेज हो रही है। तो ऐसा तुम अलग क्या करो दूसरों से जिससे तुम उसको जल्दी टेक डाउन कर सको? तो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव प्लेयर क्या कर सकते हैं भाई, वो भी रेड डॉट जिगलिंग का बहुत यूज़ करते हैं, जो तुम्हारी रेड डॉट जिगलिंग होती है ना उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो चलो मैं बताता हूँ तुमको रेड डॉट जिगलिंग होती क्या है और उसको यूज़ कैसे किया जाता है। मान लो कि कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स वो पता है क्या करते हैं हमेशा, जैसे कि यहाँ सामने से आ रहे हैं तो कभी भी ना इस तरह से नहीं मारते, कभी भी देखना कोई सा भी बड़ा प्लेयर होगा वो ना इस तरह से नहीं मारते, ठीक है। वो आएंगे, ये करेंगे। अब तुम्हें पता भी नहीं चला होगा कि मैंने करा क्या है यहाँ पे, अब तुमको मालूम भी नहीं है कि तुमने करा, मैंने क्या रखा है, ये देखो मैंने क्या करा,
उनको पता भी नहीं मैंने करा क्या है यहाँ पे। तुम कहोगे साले तूने भी तो वैसे ही मारा जैसे अभी हमने मारा था। मैं बताता हूँ मैंने यहाँ पे करी रेड डॉट जिगलिंग। अब तुम ध्यान से गौर से मेरे जॉयस्टिक पे देखो, गौर से मेरे जॉयस्टिक पे देखो, मैं जॉयस्टिक पे कर क्या रहा हूँ देख लिया। ये देखो मैं जॉयस्टिक पे कर क्या रहा हूँ, ये देखो इसको कहते हैं भाई रेड डॉट जिगलिंग। तो ये मैंने रेड डॉट जिगलिंग करी तो मैं तो बंदों को ऐसा लगेगा कि मैं नॉर्मली रेड डॉट से मार रहा हूँ, पर ध्यान से देखना ये देखो मैं मूवमेंट भी दे रहा हूँ साथ ही साथ। रेड डॉट से तो मार ही रहा हूँ पर साथ ही साथ मूवमेंट भी दे रहा हूँ। तो इससे क्या होता है कि मान लो सामने एनिमी है, वो देखो मेरे को स्टिल खड़ा होकर मार रहा है, ठीक है वो मेरे को खड़ा होकर मार रहा है। ये देखो ये बंदा ये क्या कर रहा है, ये बंदा अभी देखो ये दिखाता हूँ तुमको, ये बंदा भी किसी को मारेगा तो कैसे मारेगा दिखाता हूँ। ये देखो एक तरफ मूवमेंट दे रहा है, या भी खड़ा होकर एक जगह मारेगा, एक तरफ मूवमेंट दे रहा है, एक तरफ मूवमेंट दे रहा है, यही चीज़ कर रहा है। और मैं उसकी जगह पर रहूँगा पर क्या करूँगा, ये देखो मैं ये करूँगा, मैं ये कर रहा हूँ, रेड डॉट भी ओपन कर रखा है और ये देखो ये समझ रहे हो, तो मेरी मूवमेंट ये हो रही है। तो मान लो वहाँ सामने एनिमी है, अगर वो मूवमेंट ये चीज़ दे रहा है और से देखना ये चीज़ दे रहा है, तो तुम रेड डॉट से उसका एम मतलब हेड या बॉडी कनेक्ट कर लोगे क्या, ये दे रहा है वो कर लोगे कनेक्ट। इसको कहते हैं भाई रेड डॉट जिगलिंग, ठीक है। अब इसको करना कैसे है, उसके क्या ड्रिल्स हैं, चलो अब इस पर बात करते हैं। इसका तो एडवांटेज तो पता चल गया ना कि सामने वाला बंदा नॉर्मल मार रहा है और तुम रेड डॉट जिगलिंग कर रहे हो, तो भाई उसका एम ही नहीं लगेगा तुम्हारे ऊपर। देख लो ये देखो गौर से देखना, थोड़ा और तेज करोगे देखो तुम्हारा कॉर्सर उसके सर पे ही है, देखा बहुत एडवांटेज है इसके। तो इसको परफॉर्म कैसे करना है, इसके तीन ड्रिल्स होते हैं गाइस ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट ड्रिल जो बिगनर है मतलब स्टार्टिंग में सीधा आके करेंगे, तो उसके लिए भाई सबसे पहले ड्रिल बता रहा हूँ चलो। तो तुमको यहाँ आना है, ये कार्डबोर्ड देखा है देख रहे हो, तो कार्डबोर्ड है ना, कार्डबोर्ड के सामने खड़ा होना है और उसके बाद ये चीज़ करनी है, ये ब्लैक होल है ना, रेड डॉट जिगलिंग करनी है, मेरा कॉर्ड वो देखते रहना जॉयस्टिक, रेड डॉट की जिगलिंग करनी है। और जो कोशिश करना है कि जो तुम्हारी गोलियाँ होंगी ना वो इस ब्लैक होल के अंदर रहे, इसे बाहर ना जाए रेड डॉट में, इस तरह से थोड़ा दूर आओ, क्योंकि दूर से ईडीएस का काम दूर से होता है, क्लोज में तो उसका काम होता है तुम्हारा कॉर्सियर का, इतनी दूर से तुम ईडीएस वगैरह खोलते हो। देख लो जिगलिंग देख लो रेड डॉट की, देखते रहना। अब बंदा तो पागल हो जाता है भाई, बंदे तो एम ही नहीं कर पाते हैं इस पर यार, ये एक्सआर का बड़ा सीन है भाई, तीसरा बटन दबा दो कोई तो बंदा स्टक हो जाता है। देख लो ये देखो पहली ड्रिल तो ये हो गई भाई, रेड डॉट जिगलिंग सीखने के लिए भाई बहुत एडवांटेज है भाई इसके भाई बहुत, अगर तुम इसे सीख गए ना मास्टर कर लिया ना तुमने भाई, तुमको बता रहा हूँ ईडीएस फाइट तो तुम्हारी इतनी तगड़ी हो जाएगी ना, जो तुम्हारी ईडीएस फाइट होगी मिड रेंज की इतनी तगड़ी हो जाएगी भाई, तुम सोचो मत, सामने वाला बंदा यू डाउन कर दोगे और उसको पता भी नहीं लगेगा उसके बंदे के साथ हुआ क्या। फिर उसके बाद तुम्हें यहाँ आना है, तुम ये टारगेट देख लो 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर 25 मीटर 40 मीटर 45 मीटर जो भी है ना, तुमको यहाँ आना है इस जगह, यहाँ आने के बाद तुम्हें पहले 10 मीटर पर ट्राई करना है, 15 मीटर 20 मीटर 25 मीटर उसका तुम बढ़ाते जाना है, ठीक है जितना बढ़ा सको जितना तुम कर सको अपनी प्रैक्टिस हिसाब से। जब तुम्हें लगता है कि हाँ बुलेट स्प्लिट होने लगी अब सही नहीं हो रहा, तो उस टारगेट के बाद तुम अपना नॉर्मल ईडीएस होल्ड करके मारना, ठीक है मतलब ईडीएस होल्ड करके मारो या फिर एक तरफ मूवमेंट देके मारो जो मन करा वो करके मारो। तो पहले 10 मीटर पर आए हम और यहाँ पे हमने ये प्रैक्टिस करी, देखो जिगलिंग हुई, देखो फिर यहाँ आए ये हुआ, देखो भाई वो देखना स्प्रे लेजर जा रहा है बिल्कुल बंदे के सर पे जा रहे हैं सारी गोलियां, हो गया भाई कोई बताता नहीं, तुम YouTube पे वीडियो सर्च कर लेना चीज की,
मुश्किल ही मिलेंगे तुमको ये वाली वीडियो, पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट भी करना यार। देखो अब जितना ज़्यादा बढ़ा सको बढ़ा सको, जिगलिंग तो बहुत दूर दूर तक होती है भाई, यहाँ तक भी होती है जिगलिंग। देखो जिगलिंग तो दूर तक भी होती है, जितना भाई से मान लो तुम्हारी जितनी भी ये लोग क्या कहते हैं जितनी भी इसकी वो बढ़ती जाए ना, मतलब दूरी बढ़ती जाए तुम्हारे टारगेट्स की, तो तुम्हें करना क्या होता है, बस जितनी भी दूरी बढ़ती जाए तुम्हें अपना जो मूवमेंट है ना वो थोड़ा सा स्लो, मतलब थोड़ा स्लो करना होता है। जैसे कि ये इतनी मूवमेंट है, ये देखो बुलेट देखो बहुत कम स्प्रेड होंगी, ठीक है। अगर तुम ये तेज़ी से मारोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है इतनी दूर से, इतनी दूर से तो एडीएस या स्कोप में तुम आ जाओगे, ठीक है। देखो धीरे धीरे मूवमेंट, धीरे धीरे मूवमेंट, देख लो कितना लेज़र जा रहा है, ये देखो। बस यही चीज़ तुम 6x में भी कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं रेड डॉट में करो। मान लो यहाँ पे मैंने 6x लगा लिया इसको, ये मैंने 6x को 3x, ये चीज़ तुम इसमें भी कर सकते हो, ये देखो। कल बंदा एम ही नहीं कर पाएगा, देखो पीक करके कर लो, देख लो बहुत एडवांटेज है इसके, ठीक है। हाँ तो एक ड्रिल और है इसकी यार, मैं बता देता हूँ तुमको यार, ये ट्रेनिंग मोड से हट गया। चलो रुक जाओ एक मिनट, बस ये ट्रेनिंग मोड में घुस जाऊँ बस एक बार पहले मैं। तो एक ड्रिल और है गाइस, हाँ तो इसको परफॉर्म करने के लिए उस ड्रिल का भी तुम यूज़ कर सकते हो, उसका भी बहुत एडवांटेज है, तुम्हारा एम में भी एडवांटेज होगा, हेडशॉट एक्यूरेसी बहुत सारी चीज़ें बढ़ेगी उस ड्रिल को परफॉर्म करने में। भाई मैं तो यार प्रैक्टिस करता रहता हूँ, मैं सोचता हूँ अपने भाइयों का भी कुछ हो जाए, खेलना वेलना मतलब मजा आ जाए ना, समझ रहे हो। अगर अपना रेड डॉट हो, ये ड्रिल भाई बहुत एडवांस ड्रिल है, जब ये दोनों ड्रिल परफॉर्म कर लोगे ना, ये वाली और ये वाली, तो इस वाली ड्रिल पर आना भाई, बहुत एडवांस ड्रिल है। गन लेना M4, एम उठाना। अबे यार ये क्या सीन है भाई, यहाँ पे तो वही मूविंग टारगेट ही नहीं, अब तो आएंगे भी नहीं वो। चलो कोई नहीं, मैं छोड़ो मैं आगे बता देता हूँ थोड़ा यही चीज़। जैसे तुमको यहाँ आना है, यहाँ आओ, यहाँ पे वहाँ जी मूव वाले टारगेट होता है ना, यहाँ पे आना है, स्प्रे ट्रांसफर करना है, जैसे समझ लो उन टारगेट पर करना है जो अभी मेरे खुले ही नहीं ट्रेनिंग मोड में, ये चीज़ करनी है। यहाँ आना है, बस ये चीज़ें करनी है, ठीक है। जितने भी मूवमेंट टारगेट मूविंग टारगेट होते हैं ना तुम्हारे, उन पर प्रैक्टिस करनी है, स्प्रे ट्रांसफर करना है। देख लो कैसे स्प्रे जा रहा है, अबे पागल हो गए लोग। तो गाइस ये वीडियो बस यहीं तक थी यार, तो आई होप आपको पता चल गया होगा रेड डॉट जिगलिंग क्या होती है या फिर कोई स्कोप जिगलिंग क्या होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी यार, तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी यार, अगर कुछ गलती हो गई तो माफ़ कर देना, और थोड़ी साउंड वाउंड क्वालिटी का दिक्कत हो तो बता देना मेरे को वीडियो में लास्ट में, तो करेंगे उसको इम्प्रूव। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो सपोर्ट कर।
करना, लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को यार, सपोर्ट करो थोड़ा सा। और 200 लाइक तो कंप्लीट कर देना कम से कम इस वाली वीडियो पे, ठीक है गाइस। मिनिमम 200 लाइक्स तो हिट कर ही देना, एक छोटा सा गोल रखते हैं अपन, देखते हैं कंप्लीट होता है नहीं होता। वैसे अपनी लग तो नहीं रहा मेरे को, पर हो जाना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। तो लाइक कर देना गाइस, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और ऐसे सपोर्ट करते रहना। और अगर मेरी वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आएगा तो मैं थोड़ी बहुत ट्रिक्स एंड टिप्स की वीडियोस और बनाता जाऊँगा। और ये वीडियो पूरी देखना भाई, और शेयर भी करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टा पे वगैरह पे शेयर भी करना इस वीडियो के बारे में। चलो अब थोड़ा सा डेमो देखो।